हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें आज 68,500 को बहुत रिलैक्सेशन मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, जो कि सीबीआई की जांच के रिगार्डिंग यह याचिका दायर की गई थी, और जो शिक्षक 5 साल से नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी राहत भरी खबर है। बता दें, यह मामला था कि इसमें 68,500 में बहुत गड़बड़ी की बातें कही गई थी, जिसमें कुछ रिजल्ट तो ऐसे भी बताए गए थे जो अभ्यर्थी बैठे ही नहीं हैं उनको भी पास किया गया है। तो ऐसे उनके खिलाफ अन्य अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसका फैसला आ चुका है। उधर बीएड वर्सेस डीएलएड बीटीसी मैटर भी चला हुआ है, प्रत्येक राज्य पर उसका नज़र जो प्रभाव है वो नज़र आ रहा है। अब हरियाणा में भी वही प्रभाव देखने को मिला है। अभी कुछ समय पहले ही हरियाणा में वैकेंसी निकली हुई थी पीआरटी की पोस्ट पर, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों ने भी अप्लाई किया था, अब वह विज्ञापन निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि जब से जोधपुर हाई कोर्ट का फैसला आया है और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि बीएड पीआरटी की पोस्ट पर वैलिड नहीं है, वो उसकी अपर योग्यता धारण करते हैं, इसलिए उनकी अपर क्लासेस में ही नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक उसी संदर्भ में हरियाणा में भी उस विज्ञापन को रद्द करके केवल जेवीटी बीटीसी डीएलएड वालों को ही योग्य मानकर नया विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आप में से कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हरियाणा में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहां पर इस समय विज्ञापन जारी हो गया है। इससे पहले मेरी इसी चैनल को सब्सक्राइब करके आप वह वीडियो देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 68,500 भर्ती की, जो कि उत्तर प्रदेश से प्रयागराज से यह न्यूज़ है। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सो दैट आपको प्रत्येक अपडेट यहाँ पर मिलता रहे, वो प्रत्येक भर्ती के रिगार्डिंग और बीएड बीटीसी के रिगार्डिंग और 68,500 और जो नई वैकेंसीज ऑल इंडिया आती हैं आपको सभी यहाँ पर विद इन टाइम मिलती रहेंगी। और एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए करते हैं हम अपना वीडियो शुरू, जिसमें परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती से बड़ा संकट टल गया है। काफ़ी लंबे समय से यह संकट चला हुआ था। परीक्षा में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों खारिज कर दिया है, यानी कि पिछले दिनों जो सीबीआई की जांच को लेकर याचिका दायर की गई थी उस याचिका को रद्द कर दिया गया है। इसी के साथ 5 साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि उन पर तलवार लटकी हुई थी कि जाने क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, कहीं उन्हें अपनी नौकरी से हाथ ना धोने पड़े। तो उनको राहत भरी खबर है, यह याचिका खारिज कर दी गई है। 9 जनवरी 2018 को 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए जारी शासनादेश के आधार पर 27 मई 2018 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। 13 अगस्त 2018 को घोषित परिणाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली थी। 2 ऐसे अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था जो परीक्षा में शामिल ही नहीं थे। यहाँ पर देखिए, ये इन्होंने साफ कहा है कि ऐसी गड़बड़ी के पैमाने मिले थे और ऐसे अभ्यर्थियों को, 2 ऐसे अभ्यर्थी थे जो शामिल ही नहीं थे और लेकिन उनको सफल घोषित कर दिया गया था, जो परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए थे। यही नहीं, परीक्षा में फेल 23 अभ्यर्थियों को भी पास करा दिया गया था। गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका की थी। वे काफ़ी लंबे समय से यह याचिका चली हुई थी, आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है और 5 साल से जो नौकरी कर रहे थे शिक्षक उनको राहत है। अब 68,500 भर्ती का मामला तो शांत हो गया है, अभी 69,000 भर्ती का बीएड वाला, हालांकि उसमें बीएड सेफ है, हम इस बात को पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि इसमें एक नियम लागू होता है। वह नियम क्या है, क्यों सेफ है, इससे संबंधित वीडियो मेरी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि बीएड 69,000 में किस तरीके से वैलिड हैं और उनकी नौकरी किस प्रकार सेफ है, तो आप देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।